जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम टू माय चैनल। एक और वीडियो में खुश आमदीद। तो दोस्तों, नवंबर में जो है, कल से नवंबर का महीना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्रिकेट है। पाकिस्तान जो है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है, इंडिया की T20 सीरीज़ है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ भी इसी महीने में है, और इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड जो थर्ड टेस्ट है वो भी इसी महीने है, वेस्ट इंडीज़ वर्सेज इंग्लैंड की ODI सीरीज़ भी इसी महीने है, और इंग्लैंड वर्सेज न्यूजीलैंड टेस्ट भी इसी महीने। बहुत ज़्यादा क्रिकेट है, जितने कही जाए उतने कम है। तो आज की जो वीडियो है वो आपने टाइटल देख ही लिया होगा, वो इंडियन स्क्वाड की है जो साउथ अफ्रीका T20 सीरीज़ के लिए है। ये आपको 8 नवंबर से जो है स्टार्ट होगी, जुम्मे वाले दिन से, यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे जो कल आ रहा है वो नहीं, उससे अगला। और डरबन में मैच होगा पहला। 4 T20 हैं टोटल, 8 को स्टार्ट होंगे और 15 को ख़त्म हो जाएगी सीरीज़। तो इंडियन स्क्वाड की बात कर लेते हैं। सूर्य कुमार यादव कैप्टन, विराट कोहली, रोहित शर्मा रिटायर हो चुके हैं तो कोई एक्साइटिंग नाम आपको नज़र आएगा नहीं। तिलक वर्मा, रमनदीप सिंह, अभी जो एमर्जिंग एशिया कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने, रिंकू सिंह, अच्छे बैट्समैन, ऑलराउंडर्स 3 हैं, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा को भी मैं बैट्समैन ही गिनता हूँ, बहुत तेज़ खेलते हैं, अक्षर पटेल भी शामिल हैं, विकेट कीपर संजू सैमसन, जितेश शर्मा। संजू सैमसन ने अभी 100 किया था आई थिंक बांग्लादेश के खिलाफ। उसके बाद बॉलर्स में हैं जी रवि बिश्नोई, विजय कुमार वाइशक, ये आई थिंक IPL से आए हैं, और वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, यश दयाल जो हैं वो लेफ्ट आर्म RCB से करते हैं, और अवेश खान जो पेसर हैं, बहुत ही अच्छी बॉल करते हैं। साउथ अफ्रीका का स्क्वाड का भी ऐलान हो चुका है। एडन मार्करम जो है कैप्टन है, रीज़ा हेंड्रिक्स, डेविड मिलर, मार्को यंसन और पैट्रिक क्रूगर ऑलराउंडर्स हैं। मार्को यंसन के स्ट्राइक बॉलर हैं। डोनोवन फरीरा विकेट कीपर, हेनरिक क्लासन, रेयान रिकल्टन, ट्रिस्टन स्टाफ, 4 विकेट कीपर खेल रहे हैं। और बॉलर्स में ओटिनल बार्टमैन, ये अच्छे बॉलर हैं, जेराल्ड कोइड्स भी बहुत तेज़ बॉल करते हैं, और केशव महाराज हैं, और मिलहेल एम पोगवाना, और पीटर एंड एंडी नाइल सीमी लानी। तो न्यू चेहरे हैं काफ़ी, कगिस और अबाडा के मुल्डर वगैरह को जो है रेस्ट दिया गया है, अभी रिसेंट जो बांग्लादेश सीरीज उन्होंने जीती है। तो बहुत ही एक्साइटिंग मैच जो होने वाले हैं, मैं आपको मैच टाइमिंग बता दूं, रात को 9 बजे जो है स्टार्ट होंगे मैचेस, और बहुत ही एक्साइटिंग मैचेस होते हैं जब इंडिया खेलते हैं और बहुत तेज़ खेलते हैं। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो थी। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।